प्रभात हजारिया हत्याकांड को लेकर डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रातों रात सीतामढ़ी पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज 24। मैं हूं दीपक कुमार। पेश है सीतामढ़ी बिहार से विरोध संवाददाता अशफाक खान की रिपोर्ट। बीते बुधवार को शहर के प्रसिद्ध कारोबारी प्रभात साइकिल प्रतिष्ठान के मालिक प्रभात हिसारिया को अपराधियों द्वारा हत्या कर दिया गया। शहर के व्यवसायियों में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। उसको देखते हुए डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बुधवार देर शाम सीतामढ़ी पहुंचे। डीजीपी के काफिला सीधे सर्किट हाउस गया। वहां एसपी अनिल कुमार समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। कुछ देर रुकने के बाद डीजीपी घटनास्थल के लिए सीधे कोर्ट बाजार निकल पड़े। उनके साथ एसपी अनिल कुमार भी घटनास्थल का मुआयना करने के बाद डीजीपी ने एसपी और व्यवसायियों से भी जानकारी ली। डीजीपी की पहुंचने की खबर पाकर तमाम बड़े व्यवसायी भी पहुंच गए। सब ने डीजीपी से अपनी सुरक्षा की गारंटी मांगी। आगे देखें हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। मैंने आपने इससे पहले भी कांड में हमारे साथ मीटिंग की थी, क्या हुआ उसका? आज भी आप यही बात बोल रहे हैं, आपका इकबाल खत्म हो गया है, आपका प्रशासन नहीं है, यहाँ के व्यवसायी किसके भरोसे है कोई पता ही नहीं है, इसलिए से मीटिंग मत कीजिए। तो उन लोग कहते हैं कि नहीं अब होगा। हमको नहीं लगता है, मीडिया बंधु बता रहे हैं कि यहाँ के व्यवसायी अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, समय आएगा तो या बिहार छोड़ देंगे या हथियार उठाएंगे। कि वाकई ऐसा हो रहा है, अभी पिछले 15-20 दिन पहले भी एक घटना घटी है, उसका उद्भेदन नहीं हुआ, अब तक कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया है, कैसे हम लोग जिएंगे, क्या करना है हम लोग? पलायन करना है, हम लोग को सीतामढ़ी छोड़ देना है, व्यापार बंद कर देना है, इसका इकबाल खत्म हो गया, बिहार छोड़ देना है, सीतामढ़ी नहीं। स्थिति बहुत ही नाजुक है। जो अभी वो परेशानी है जिसको कि आदमी झेल रहा है, वो कैसे झेल रहा है, वो हर एक बिजनेसमैन समझ रहा है। नीतीश कुमार सोचे कि वो रोजगार कहाँ से लाएगा। हाँ? 10-20 जिसकी जैसी क्षमता है सब अपने यहाँ एम्प्लॉयड, उनका 200 परिवार, किसी का 50 परिवार, किसी का 10 परिवार चलता है। आप जरा सोच के देखिए, अगर यही हालत बिजनेसमैन का रहा तो क्या स्थिति होगी बिहार की। नीतीश कुमार अभी भी ध्यान दे। हम लोग अनट्रेंड मतलब लोगों को रोजगार देते हैं सबसे बड़े। ये बहुत ही दुखद घटना है। मैं जो पीड़ित हैं उनके परिवार के प्रति और व्यवसायी समाज के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। मैं खुद ही सुन करके आया, सीतामढ़ी से मेरा बहुत लगाव रहा है, मुजफ्फरपुर में डीआईजी रहा हूँ, यहाँ आईजी रहा हूँ। 6 साल तक सीतामढ़ी की सेवा करने का हमको मौका मिला है। यहाँ के एक एक लोग हमको जानते हैं, मैं भी सारे लोगों को जानता हूँ। व्यवसायियों को लक्षित करके इस तरह से जो अपराध किए जा रहे हैं, इस रैकेट को हम लोग ध्वस्त करें। मैंने एसटीएफ की टीम बुलाई है, यहाँ चिंता रहेगा, एसटीएफ के डीएसपी को बुलाया है। एक साल में जितने इस तरह के अपराध हुए हैं, आज रात भर बैठ कर के उनका रिव्यू करूँगा और इस कांड का उद्भेदन होगा और हर हालत में होगा। जो लापरवाह और दोषी पदाधिकारी होंगे उन पर भी कार्रवाई। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।